नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री से जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछता है इन कार्बन डेटिंग टेक्निक, कार्बन यूज रेज, कार्बन डेटिंग टेक्निक के अंदर कार्बन कौन सा यूज होगा। ठीक है, ये कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जो कार्बन 12 दिया है, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 18। तो कार्बन 18 तो कोई इसका आइसोटोप नहीं होता है ना। तो आपको बताना है कार्बन डेटिंग टेक्निक कौन से कार्बन के आइसोटोप से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी होगा, कार्बन 14 टेक्निक, डेटिंग टेक्निक होता है। ठीक है, देखो ये कार्बन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो 6 होता है ना, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर देखोगे तो 12 होता है। तो ये मास नंबर जो बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से बनेगा, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ प्रोटॉन के नंबर से बनता है ना। तो ये कार्बन 14 में क्या होगा, प्रोटॉन तो 6 ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो दो ज़्यादा होते हैं ना, 6 और 2 8 होते हैं इसके अंदर। देखो इसमें प्रोटॉन तो होंगे 6, इसमें भी प्रोटॉन होंगे 6, इसमें भी प्रोटॉन होंगे 6, लेकिन देखो न्यूट्रॉन का नंबर हर एक कार्बन के लिए बदलता जाता है। इसमें 6 होंगे न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन होंगे 7 और इसमें न्यूट्रॉन होंगे 8, तभी तो इसका ये एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। ये 13 जो है इसे याद रखना, ये एनएमआर में काम आता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें काम आएगा, और ये हमारा नॉर्मल कार्बन होता है। ये कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है ना, वो हम पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ डिटेक्ट करने के काम आती है। जितने भी लिविंग थिंग, जैसे पेड़ होगा कितने साल पुराना है, ये जानने के लिए आपको ये कार्बन 14 टेक्निक यूज़ किया जाता है ना। कोई भी पुरानी लकड़ी हो या फिर पुराना हड्डी मिले तो उससे हम बता सकते हैं ये कितना साल पुराना है। तो ये कार्बन डेटिंग टेक्निक फोरेंसिक लैब में वगैरह यूज़ किया जाता है, कार्बन 14 को यूज़ करके, ये चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये तो आपको पता होना चाहिए कि ए से क्या डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर, और जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसका, और ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों को जुड़ के होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के। ठीक है, और अगर जो एलिमेंट पे कोई भी चार्ज नहीं होगा ना, तो ये एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रिलेटेड होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब भी एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के लिए, जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या डिनोट करेगा, एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ऑप्शन दिया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हैलोजिनेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलाएंगे ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो ऑक्सीडेशन किसे किसे बोला जाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे रिमूवल हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलेगा तो भी आपने ऑक्सीडेशन ही बोलना है। और एडिशन के बारे में देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन ही होगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, जैसे हैलोजन्स होता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन, तो इनका एडिशन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ जहाँ रिमोल बोला है वहाँ पर आप एडिशन बोलेंगे, और जहाँ एडिशन बोला है वहाँ पर रिमोल बोलेंगे, तो आपको सारे रिडक्शन के डेफिनेशन समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है देखो, हैलोजिनेशन, सॉरी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन देखो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है ना, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकाल देना है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये भी शायद पूछ ले एग्जाम में। तो हाइड्रेशन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर होगा। हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन को कंफ्यूज मत कर लेना, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजिनेशन में, और ये हाइड्रेशन है तो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है, हार्ड वाटर कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ, हार्ड वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ये हाइड्रोजन पाया जाता है ना, हाइड्रोजन के बारे में ये सवाल है। कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो ये वाटर का तो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिखते तो H2O होगा ना ये, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा वाला हाइड्रोजन होता है, जबकि वाटर हमें दिया हुआ कैसा है, हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में जनरली जो हाइड्रोजन होता है वो होता है ये ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम वाला, ड्यूटेरिएटेड वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो इसमें भी वही है, ये आइसोटोप से डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन के, इसमें प्रोटॉन नंबर तो क्या है, सेम ही होता है ना, प्रोटॉन नंबर तो वन ही है तीनों में, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, बट द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर यानी न्यूट्रॉन नंबर इसमें डिफरेंट है, इसमें वन न्यूट्रॉन, इसमें जीरो होगा न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन होगा वन, इसमें न्यूट्रॉन होगा टू, यानी टू और एक मिलके तीन हो जाएगा, एक और एक मिलके दो, और एक और जीरो मिलके एक हो जाएगा दोस्तों। ये सारे आइसोटोप से हाइड्रोनियम के, हाइड्रोजन के तीन अगर रहेगा एटॉमिक मास नंबर तो ट्रिटियम बोलते हैं, दो रहेगा तो ड्यूटेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ, डायमंड किसका एलोट्रॉप है? देखो स्टील का, प्लेटिनम का, कार्बन का या फिर आयरन का। तो हमें पता है डायमंड कहाँ मिलता है, कोयले की खदान में ही मिलता है ना, तो डायमंड क्या होगा, कोयला होगा, कोयला मतलब क्या होता है, कार्बन, ऑप्शन सी के साथ जाना है। नेक्स्ट देखो, विच अल्कोहल इज नोन एज द वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल किसे बोलते हैं? ऑप्शन दिया है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटानॉल। तो ये वुड अल्कोहल बोला जाता है ऑप्शन ए, मिथेनॉल को, ठीक है, ये सिंपल वुड से भी बनाया जाता है मिथेनॉल, इसलिए ये मिथेनॉल को वुड अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड इन एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर फॉर स्मेल? देखो हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो लीक हो जाए तो हमें एक सुगंध आती है ना, एक स्मेल आता है पर्टिकुलर, वो किस गैस की वजह से आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मिथिल मरकैप्टन, इथिल मरकैप्टन, प्रोपिल मरकैप्टन या फिर ब्यूटिल मरकैप्टन। देखो वो जो पर्टिकुलर स्मेल जो आती है ना वो इस गैस की वजह से आती है, इथिल मरकैप्टन। जब भी ये सिलेंडर बाहर जाते हैं तो इसमें ये मिथिल मरकैप्टन ऐड किया जाता है ताकि लीक होने पर हमें उसकी सुगंध से ही पता चले कि गैस लीक हो रहा है ना, वो हजारडस होता है जो उसका अंदर गैस भरा होता है सिलेंडर के, तो इसलिए हमें पता चलने के लिए ये इथिल मरकैप्टन डाला जाता है उसमें। नेक्स्ट है, एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर बेसिकली कंटेन विच गैस? तो ये एलपीजी जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बेसिकली कौन सा गैस होता है, ठीक है, लीकेज के लिए तो पता चल गया इथिल मरकैप्टन, तो इसके अंदर प्रोपेन होगा, इथेन होगा, ब्यूटेन होगा या फिर बोथ ए एंड सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। तो बेसिकली ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, उसके अंदर ये दोनों भी होते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन करके, तो ये ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेस और गैस यूज्ड इन बल्ब इज और आर, बल्ब जो होता है ना लाइट होता है, तो ये लाइट के अंदर में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये लाइट तो पता है, तो बल्ब के अंदर जो लाइट इस्तेमाल किया, सॉरी, बल्ब के अंदर जो गैस इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम बताना। ऑप्शन दिया है आर्गॉन, नियॉन, नाइट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो जो भी बल्ब के अंदर गैस इस्तेमाल होता है उसे इनर्ट गैसेस बोला जाता है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे ये सारे के सारे गैसेस ये बल्ब के अंदर यूज़ किए जाते हैं, है ना, तो ऑल ऑफ दिस के साथ जाना है। नेक्स्ट सवाल है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर मिथिल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया इज, ठीक है, अमोनिया के अंदर जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं, देखो अमोनिया होगा ना ऐसा NH3 करके,
तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इनको रिप्लेस करना है मिथिल ग्रुप से। एक मिथिल ग्रुप करोगे तो मिथिलामाइन बन जाएगा, दो मिथिल ग्रुप से डाइमिथिलामाइन, और थ्री मिथिल ग्रुप से ये ट्राईमिथिलामाइन बनेगा, है ना। तो देखो, तो हमें पूछा गया है कि इनके ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बनाना है, बताना है कि कौन मोर बेसिक है, कौन लेस बेसिक है। तो इससे जो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन बनेंगे और खुद ये अमोनिया, इनके ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। ऑप्शन दिया है देखो, सेकेंडरी इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी देन प्राइमरी अमाइंस, ये अमाइंस के बारे में है, और अमाइंस ये सारे मोर बेसिक है देन अमोनिया। तो इस तरह से ये सेकंड ऑप्शन है, अमोनिया इज़ मोर बेसिक देन द अमाइंस, और अमाइंस के अंदर सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी इज देन प्राइमरी। या फिर यहाँ पे दिया है अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, और अमाइंस के अंदर टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी मोर बेसिक देन प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइंस। या फिर ऑप्शन डी दिया है, अमोनिया इज मोर बेसिक देन अमाइंस, और अमाइंस के अंदर सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। तो देखो, यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। तो इन इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये मिथिल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया में जो भी अमाइंस बनेंगे वो, और ये अमोनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये तो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमाइंस के अंदर जब मिथिल ग्रुप आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। मैं ऐसे बोलूँ आपको, ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे अगर मिथिल ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या बोलता है, नाइट्रोजन को बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को दे 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 दे। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, बेस होता है ना। ये मिथिल ग्रुप कहाँ आएगा, अमाइंस के अंदर, तो ये इसको बोल रहा है कि तू इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरे को दे दे इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग करने वाला ग्रुप रहता है। तो इसलिए ये अमाइंस मोर बेसिक होते हैं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के अंदर तो ऐसा कोई मिथिल ग्रुप है नहीं जो इसे बोले कि इलेक्ट्रॉन दे दे करके। तो ये अमाइंस आर मोर बेसिक होते हैं, और मैं इनकी ऑर्डर बोलूँ आपको, मिथिल सब्स्टिट्यूटेड अगर पूछेगा तो आपको ये जाना है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, है ना। सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। क्योंकि मैं बोलूँ ये सेकेंडरी के अंदर दो मिथिल ग्रुप होंगे, प्राइमरी के अंदर एक ही होगा, और टर्शरी के अंदर तीन मिथिल ग्रुप होंगे। तो देखो, जब यहाँ पे ये तीन मिथिल ग्रुप बनते हैं टर्शरी के लिए ना, तो यहाँ पे जो भीड़ बनती जा रही है, भीड़ पूरी बनती है, ये तीनों लोग तो बोलेंगे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, पर ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो भीड़ बना के रखे हैं ना, ये मिथिल ग्रुप, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी थोड़ा प्राइमरी से भी कम होगी, सेकेंडरी से भी कम होगी। इसमें भीड़ नहीं होगा, इसमें दो दो मिथिल ग्रुप होता है तो ये बोलता है दे दो, तो इसलिए ये सेकेंडरी मोर बेसिक होगा, प्राइमरी होगा, और ये भीड़ की वजह से टर्शरी वाले का तीसरे नंबर पर नंबर लगता है। तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इथिल सब्स्टिट्यूटेड बोलेगा तो आपको ये थोड़ा चेंज कर देना है, टर्शरी को यहाँ लाना है, प्राइमरी को यहाँ लेके जाना है। तो वो इथिल सब्स्टिट्यूटेड के लिए ऑर्डर होगा, शायद पूछ ले, तो बस एक बार इसे याद रख लेना, ये 213 213 करके नंबर को याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन को जो भी रिस्पॉन्सिबल गैसेस है वो हमें पता होने चाहिए। ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर क्लोरीन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखो, ये हवा में होते हैं ये गैसेस, कौन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी बारिश आती है ना, तो ये उसके साथ में H2O के साथ में ये रिएक्ट होकर के ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही वो दो गैसेस है, बोथ ए एंड बी के साथ चलना है हमें, जो एसिड रेन गिराते हैं। नेक्स्ट है यूरोट्रोपिन इज, देखो ये एंटीगोट ड्रग होता है यूरोट्रोपिन, लेकिन यहाँ पे हमें इसका केमिकल नेम पूछा है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है कि ये यूरोट्रोपिन क्या है। गाउट के अंदर आता है, जॉइंट में पेन होता है ना यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, तो ये एंटी गाउट ड्रग है यूरोट्रोपिन। तो इसका केमिकल नेम बताना है। ऑप्शन दिया है टेट्रामिथिलिन हेक्सामाइन, हेक्सामिथिलिन टेट्रामाइन, पेंटामिथिलिन ट्रायामाइन, या फिर डायमिथिलिन टेट्रामाइन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, इसका सही जवाब होगा हेक्सामिथिलिन टेट्रामाइन करके, ऑप्शन बी के साथ जाना है।
हेक्सामिथिलीन ग्रुप होगा और टेट्रा अमाइन होगा। चार नाइट्रोजन होते हैं और ये मिथिलीन होंगे छः। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर, फॉस्जीन किसका कॉमन नेम है? ऑप्शन दिया है कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल आयोडाइड, कार्बोनिल फ्लोराइड या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये जो कॉमन नेम है फॉस्जीन, ये ऑप्शन डी कार्बोनिल क्लोराइड के लिए यूज़ किया जाता है, CoCl2 करके इसका फार्मूला होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है मार्श गैस इज रेफर टू, मार्श गैस किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए में है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर इथेन। तो मार्श गैस को याद रख लेना, यम फॉर यम, यम फॉर यम यानी मीथेन, मीथेन के लिए बोलते हैं मार्श गैस। नेक्स्ट है लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बोनिल क्लोराइड, सल्फर मस्टार्ड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो लाफिंग गैस होता है ना, आपने मूवी में भी देखा होगा कोई, वो अक्षय कुमार की मूवी थी शायद, तो ये लाफिंग गैस होता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला भी याद रख लो, N2O होता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये NO2 होगा। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर भी अगर आपको ऑप्शन में दिए तो आपको पहचान में आना चाहिए, लाफिंग गैस जो है वो N2O है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20-2-क्लोरोइथिल सल्फाइड इज, ये किसका केमिकल स्ट्रक्चर है? 20-2-क्लोरोइथिल सल्फाइड। ऑप्शन दिया है टीयर गैस, वॉर गैस, मस्टर्ड गैस या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखो ये सल्फाइड जो है, ये याद रखो ये सल्फर मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड गैस जिसे वॉर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलो, बोथ बी एंड सी, ये 20-2-क्लोरोइथिल सल्फाइड जो है इसे सल्फर मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड गैस और वॉर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2-क्लोरो बेंजाल मैलोनो नाइट्राइल, 2-क्लोरो बेंजाल मैलोनो नाइट्राइल इज अ कंपोनेंट ऑफ, ये कौन से गैस का कंपोनेंट है? ऑप्शन दिया है वॉर गैस, टीयर गैस, मार्श गैस या फिर लाफिंग गैस। तो चलो मार्श गैस तो देख लिया, मीथेन था, लाफिंग गैस भी देख लिया, नाइट्रस ऑक्साइड था, और ये जो वॉर गैस था वो भी देख लिया, सल्फर मस्टार्ड जो यहाँ पे है 20-2-क्लोरोइथिल सल्फाइड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, टीयर गैस से रिलेटेड का कंपोनेंट है ये 2-क्लोरो बेंजाल मैलोनो नाइट्राइल करके। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो पूछता है क्लोरोपिक्रीन यूज्ड एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायो माइक्रोबियल हैविंग केमिकल फार्मूला। क्लोरोपिक्रीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है। देखो सल्फोनो क्लोरोफॉर्म, कार्बोनिल क्लोराइड, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म या फिर टाई नाइट्रो बेंजीन। तो देखो इसका सही जवाब होता है क्लोरोपिक्रीन का, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूले से होता है ना, ये क्लोरो जो है ये क्लोरोफॉर्म के लिए है और ये पिक्रीन जो है नाइट्रो ग्रुप के लिए होता है, तो ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म होगा, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म यानी Cl3C और यहाँ पे आगे NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा यहाँ से, और हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट सवाल है पिक्रिक एसिड इज केमिकली, पिक्रिक एसिड केमिकली क्या होता है? ऑप्शन दिया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर 2,4,6-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो देखो पिक्रिक एसिड जो है वो तो फिनॉल तो होता ही है उसके अंदर, और ये जो बनता है ये 2 पोजीशन होगा, ये 4 पोजीशन और ये होगा 6 पोजीशन। तो 2,4,6 पोजीशन पे आपको ये नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड बोला जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और आपको मैं इसके पोजीशन भी बता दूं, यहाँ पे ये जो पोजीशन होता है ना, ये दोनों पोजीशन, ये और ये पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन बोलना है इसको, ये और ये पोजीशन जो होता है इसे बोलना है मेटा पोजीशन, और ये जो नीचे की पोजीशन है जो फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा यहाँ के एकदम सामने वाली पोजीशन जो है वो प्यारा पोजीशन होती है ये। ठीक
है, इसे बोलना है ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन और ये पैरा पोजिशन। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल आपके केमिस्ट्री के सॉल्व हो सकते हैं, ये भी चीज़ अगर पता होगी तो। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है डायनेमो इज अ डिवाइस दैट कन्वर्स। डायनेमो के अंदर ये एक डिवाइस है जो कौन सी एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमें तो वो पता है ना, यूनिवर्सल लॉ, जो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनादर फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म कौन से फॉर्म में चेंज होगा डायनेमो के अंदर। ऑप्शन दिया है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी के कन्वर्जेंस भी हमें पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर किसका है? ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और ये बोथ ए एंड बी। तो देखो इसका एक कंसेप्ट है, ये भी याद रखो, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड को हम अगर रिएक्ट कर दें एक थोड़ा सा एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो ये क्या देंगे, साल्ट एंड वाटर देंगे। तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू गिव द साल्ट एंड वाटर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से आपको MgCl2 करके साल्ट मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और ये वाटर मिलेगा H2O। तो ये होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। पर यहाँ पे हमें पूछा है कि एसिडिक इन नेचर, ये तो बेसिक हो गया। तो ये दोनों जो है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर होंगे तो आपको एसिडिक बोलना है, और मेटल का ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है ना, मेटल का ऑक्साइड होगा तो आपको एसिडिक नेचर बोलना है। ये चीज़ को याद रख लो, अगर इस पे क्वेश्चन बना तो आसानी से सॉल्व कर लेना है आपको। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने लिया है। नेक्स्ट है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का एटॉमिक वेट बताना है आपको। ठीक है, ये 12.5 दिया है, 30.5, 35.5 या फिर ये 36.55। ठीक है, तो क्लोरीन का जो भी एटॉमिक वेट है वो होता है 35.5 करके, 35.5 क्लोरीन के लिए होगा। और ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये पैराहाइड्राइड इज अ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ, ये किसका साइक्लिक ट्राइमर है? ऑप्शन दिया है फॉर्मा हाइड्राइड, एसीटा हाइड्राइड, प्रोपेन हाइड्राइड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो ये जो है पैराहाइड्राइड, ये एक साइक्लिक ट्राइमर होता है इस टाइप का। ये इस टाइप का ये ट्राइमर होता है, तो ये बनता है एसीटाल्डिहाइड से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसका, ये पैराल्डिहाइड होता है ना, ये और साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसीटाल्डिहाइड। देखो तीन एसीटाल्डिहाइड है यहाँ पे, एसीटाल्डिहाइड का फॉर्मूला भी देख लो आप, CH3CHO करके होगा। तो ये सी समझ लो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है, इसे भी वैसे ही जमत लो, इसे भी वैसे। तो ये तीन मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे एसीटाल्डिहाइड के, जो पैराल्डिहाइड को बनाएंगे साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हम आपके साथ ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके साथ शेयर करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।